हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान के दीपक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं दीपक पिस आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना शिमला मिर्च का प्लॉट और इधर स्ट्रॉबेरी है, जैसा कि आप हमारी वीडियो में देखते रहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं शिमला मिर्च। तो आप देखिए, हमारा शिमला मिर्च का प्लॉट है। हमने नीचे जो है मैट बिछाई हुई है और मल्चिंग सीट ड्रिप लाइन बिछाई हुई है, और ये प्लॉट देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं दोस्तों आप हमारे शिमला मिर्च, किस तरह से शिमला मिर्च आई हुई है पौधों पर, ये देखिए। तो अब आपको हम इस गली में ले जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने इस तरह से सुतली की बदाई की हुई है, और हम इस पे जो है ग्रीन नेट लगाते हैं दिन में, और जब रात होती है तो पॉलीथीन से इसको कवर कर देते हैं। और यहाँ पर इस तरह से बैम्बू लगाया हुआ है, जिसमें कि हमारा पॉलीथीन और जो बाँस के ऊपर जो मैट होती है उसका वज़न काफ़ी होता है जब वो भीगती है पाले से या बरसात से, तो इसलिए हमने यहाँ पे बैम्बू लगाया हुआ है जिसका वज़न बहुत ही अच्छा है। और साथ ही यहाँ पे हमने सुतली का यूज किया हुआ है, और इस तरह से बंधाई भी की हुई है। हर पौधे के बगल में एक स्टिक डंडी भी लगाई हुई है ताकि तूफान आए तो पौधे गिरे नहीं वज़न से। और शिमला मिर्च देख सकते हैं आप किस तरह से आई हुई है। तो इस तरह से दोस्तों हमने शिमला मिर्च की खेती की हुई है। यहाँ पे हमने ये जो है स्टिकी जो कीड़े वीड़े होते हैं ये चिपको लगा रखा है, इस पर चिपक जाते हैं ताकि ये हमारी खेती में ज़्यादा बीमारी ना फैलाए, इसलिए हमने इस तरह से ट्रैप लगाया हुआ है। कुछ पौधे दोस्तों हमारे यहाँ पे सूख गए थे, उनकी जगह हमने यहाँ पे नए प्लांटेशन कर दिया है। साथ ही यहाँ पे चिपको आप फिर से देख सकते हैं, और शिमला मिर्च हमारी रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। देखिए, जड़ से ही आ रखी है बहुत अच्छे से। और ये मैट जो नेट है, थोड़ा हमने जो हमने ऑनलाइन मंगाई थी, लेकिन ये हमको कम माइक्रोन की मिली, जिसकी वजह से इसके अंदर घास भी हल्का आ जा रहा है। तो आप भी ये सावधानी बरतें, जब भी मल्चिंग शीट बिछाएं तो अच्छी बिछाएं, कम से कम 30 माइक्रोन या 25 माइक्रोन की होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।